गुड आफ्टरनून एंड जय स्वामीनारायण। आज हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर से। तो डेफिनेशन देखते हैं। अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल वर्क द कैलकुलेटेड वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या तो कोई भी वैल्यू आती है कैलकुलेशन के थ्रू, तो वो जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे दिखाया है 12.2, तो 12 है वो सर्टेन नंबर है और 2 है वो अनसर्टेन नंबर है। ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, उसको क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। उसके काफ़ी सारे रूल हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिखाए हैं, तो आपको उसमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दो ही रूल है जो आपको याद रखने हैं। फॉर डेसिमल नंबर फर्स्ट नॉन जीरो के बाद के सभी वैल्यू आपको काउंट करनी है। और सेकंड रूल है फॉर नॉन डेसिमल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो। ये दो रूल है। कोई डेसिमल नंबर होगा या तो नॉन डेसिमल नंबर होगा, उससे आप ये पता कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करने का। तो फर्स्ट वैल्यू है 1600, ये है नॉन डेसिमल का एग्जांपल। नॉन डेसिमल मीन्स जिसमें पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट वाला एग्जांपल होगा उसको हम बोलेंगे डेसिमल नंबर, और पॉइंट नहीं होगा उसको हम बोलेंगे नॉन डेसिमल नंबर। यहाँ पे 1600 है, 1600 है नॉन डेसिमल नंबर। क्या रूल है इसमें? फर्स्ट नॉन जीरो से लेकर लास्ट नॉन जीरो की जो वैल्यू होगी उसको हम काउंट करेंगे। तो ये फर्स्ट नॉन जीरो 1 है और लास्ट नॉन जीरो 6 है, तो दो ही वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये 2 जो आया वो सिग्निफिकेंट फिगर है। ये भी एग्जांपल है नॉन डेसिमल का। फर्स्ट नॉन जीरो से लेकर लास्ट नॉन जीरो तक तो हमें काउंट करना है। टोटल वैल्यू कितनी है, यहाँ पे नंबर कितने हैं? 1, 2 और 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। ये एग्जांपल है डेसिमल नंबर का। डेसिमल नंबर में क्या कहा है? फर्स्ट नॉन जीरो के बाद के सभी वैल्यू लेनी है। तो फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा नंबर है? 5 है, और 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो डेसिमल नंबर कितने आए यहाँ पे? सिग्निफिकेंट फिगर 1 आई। यहाँ पे डेसिमल का एग्जांपल है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद के सभी लेना है हमें। तो फर्स्ट नॉन जीरो 2 है और उसके बाद के 2 है, टोटल 3 हुए, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। ये एग्जांपल भी किसका है? डेसिमल का है। तो डेसिमल में फर्स्ट नॉन जीरो के बाद के सभी, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर हमें मिलेगी। ये भी डेसिमल का है। नॉन जीरो के बाद के सभी लेने हैं, तो यहाँ पे नॉन जीरो कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो 8 से स्टार्ट होकर 9 तक जाए तो 1, 0 एंड 1, 2 एंड 3, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमें मिलेगी। ये भी डेसिमल का एग्जांपल है। फर्स्ट नॉन जीरो से लेकर लास्ट नॉन जीरो तक जाना है, तो 1, 2, 3, 4, टोटल 4 नंबर है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये भी डेसिमल का है। फर्स्ट नॉन जीरो से लेकर लास्ट नॉन जीरो तक हम जाएंगे, टोटल जो नंबर है वो काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर आएगी यहाँ पे। यहाँ पे ये भी डेसिमल का एग्जांपल है। तो फर्स्ट नॉन जीरो से लेकर लास्ट के सभी वैल्यू, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद की सभी वैल्यू, तो 5 से लेकर लास्ट जीरो है लास्ट वाला उस तक टोटल 4 वैल्यू है, 4 नंबर है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। और यहाँ पे 5 नंबर है, बाद में 0, 0 है, ये पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो नॉन डेसिमल नंबर है। क्या बताया? इसमें फर्स्ट नॉन जीरो से लेकर लास्ट नॉन जीरो तक जाना है, तो इसमें नॉन जीरो एक ही है और कोई है नहीं, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। और एग्जाम्पल है डेसिमल नंबर का, नॉन जीरो से लेकर नॉन जीरो के बाद के सभी, तो नॉन जीरो है 3 और उसके बाद के सब 1, तो उसके बाद 3 है और 1 यहाँ पे फर्स्ट, तो टोटल 4 आएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम ऐसे काम करते हैं। बाद में आता है प्रिसीजन।
refers to the closeness of various measurement for the same quantity. कोई भी experiment करते हैं जिसमें number of measurement करते हैं तो वो एक दूसरे के अगर जो value होगी वो काफ़ी close होगी, तो closed value मिलती है उसको हम बोलते हैं precise value, और जो process है उसको बोलते हैं precision. Accuracy is the agreement of a particular value to the true value of result. ये कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कोई ट्रू वैल्यू होगी उसको एग्री करती होगी, मीन्स काफ़ी सारी क्लोज होगी, दोनों एक जैसी ही है. आप एग्जांपल देखो उसके बाद आपको पता चले. तो मैंने 2 ग्राम का सैंपल लिया और स्टूडेंट ए बी सी तीनों को मैंने दिया. स्टूडेंट ने वेट करा, फर्स्ट बार उसने मेजर करा वेट बैलेंस में, वेट करा और फर्स्ट बार मेजर करा तो वैल्यू आई 1.95 और दूसरी बार वेट करा तो वैल्यू आई 1.93, एवरेज लिया तो 1.940, जो 2 से काफ़ी दूर है. यहाँ पे स्टूडेंट बी ने क्या करा, वेट करा, फर्स्ट मेजरमेंट में उसका जो आंसर आया 1.94 आया और दूसरी बार उसने वेट करा तो 2.05 आया. तो ये जो वैल्यू आई, इसकी एवरेज आई वो 1.995 आई. इसका मतलब कि ये वैल्यू काफ़ी एक्यूरेट है, क्योंकि हमने जो सैंपल दिया था वो 2 ग्राम का था और यहाँ पे जो वैल्यू आई वो 1.995 है, मीन्स इसके काफ़ी क्लोज है. तो ये वैल्यू प्रिसाइज या तो एक्यूरेट वैल्यू हम बोल सकते हैं. स्टूडेंट सी को हमने दिया, उसने वेट करा, फर्स्ट मेजरमेंट में 2.01 आया और दूसरा मेजरमेंट करा तो 1.99 आया, तो उसका एवरेज लिया तो एक्सैक्ट 2.000 आया. इसका मतलब है ये जो वैल्यू आई एक्सैक्ट वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यू या तो एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं. बस इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन है क्या वही आपको समझना है. बाद में डायमेंशनल एनालिसिस में काफ़ी सारे 2-3 सम दिए हैं, इसमें से हमने एक एक सम यहाँ पे दिखाए हैं. बाद में जो लास्ट में सम करेंगे इसके साथ में ले लेंगे सभी. यहाँ पे एक पीस दिया है मेटल का जिसकी लेंथ है 3 इंच, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे, हमें एक सेंटीमीटर और इंच के जो और रेशियो है वो हमें पता है कि 1 इंच इज इक्वल टू कितने होते हैं 2.54 सेंटीमीटर है. तो 3 इंच इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर हो गए, तो 3 यहाँ पे रखें और यहाँ पे सेंटीमीटर कितने हो गए, तो 3 × 2.54 करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 सेंटीमीटर में वैल्यू मिल जाएगी. बाद में है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. टोटल 5 लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसेस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. अगर ये 5 लॉ आपको ओनली नाम ही पूछा जाए तो 2 मार्क में आ सकता है, और इंडिविजुअल पूछा जाए तो 1 मार्क या तो 2 मार्क या तो 5 लॉ नाम के साथ, डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ पूछा जाए तो 5 मार्क में पूछ सकते हैं. काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट है तो आपको ये याद रखना है और ध्यान में रखना है. फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. कोई भी फिजिकल या तो केमिकल चेंजेस होगा उसमें जो रिएक्टेंट का टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के इक्वल में होगा. प्रोडक्ट का जो मास होगा वो रिएक्टेंट का जो मास होगा उसके इक्वल होगा. मीन्स जो हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं, जो स्टार्टिंग कंपाउंड लेते हैं और बाद में वो दोनों कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनती है, तो ये स्टार्टिंग का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो प्रोडक्ट में भी जो बनता है, मीन्स प्रोडक्ट जो बनती है उसमें उसका जो वेट होगा वो सेम होगा. सपोज यहाँ पे लेते हैं कार्बन वेल ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है, 2 है तो 2 × 16 करेंगे तो 32 आएगा, तो 32 प्लस 12 करेंगे तो 44 आएगा. तो 44 यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने यूज करे हैं तो यहाँ प्रोडक्ट में
मिलने चाहिए और यहाँ पे मिले हैं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो लॉ है ये यही बताता है कि जो मास हमने स्टार्टिंग में यूज करते हैं वो लास्ट में हमें मिले। इस टाइप का लॉ है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। स्टार्टिंग में जो मास हम लेते होंगे वो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। सेकंड है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास। कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा वो किसी भी जगह पे होगा तो उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम ही रहेगा। वो किसी भी जगह पे अगर वो अपनी जगह चेंज कर लेगा तो उसका प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा। सपोज हम पानी का सैंपल लेते हैं, अगर पानी हम सी वाटर में से लेते हैं या टैप वाटर में से लेते हैं या तो रेन वाटर में से लेते हैं तो उसमें उसका जो मॉलिक्यूल है H2O, उसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो ये जो प्रोपोर्शन है ये यही रहेगा। इसमें नहीं तीन हाइड्रोजन या तो एक ऑक्सीजन ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, या तो दो ऑक्सीजन एंड दो हाइड्रोजन ऐसा भी नहीं होगा, ओनली दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन ही होगा। जिसमें से भी आप सैंपल ले लो कोई भी कंपाउंड का, उसका जो प्रपोर्शन जिस जगह पे होगा किसी भी जगह पे होगा तो वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे दिखाया है हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 2 है, 1 है पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 1 × 2 करा तो 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और मोलिकुलर वेट कितना है 16 है, तो दोनों को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 8 आया। इसका प्रपोर्शन हमें मिला 1:8। ये वाटर का प्रपोर्शन है, सी वाटर का देख लो, टैप वाटर का देख लो कि रेन वाटर का देख लो, सभी में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन रहेगा वो सेम रहेगा। बाद में है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। When two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combine with fixed mass of other element bears a small whole numbers ratio to one another. कोई भी दो एलिमेंट को आप कंबाइन करते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है, तो ये जो कंपाउंड बनता है, सपोज हम लेते हैं H2O, ये दो एलिमेंट है उसको कंबाइन करके हम यहाँ पे H2O बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लिए है और ऑक्सीजन 1 लिया है, दो हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पे 1 × 2 करेंगे, मास कितना आएगा 2 आएगा, एक ऑक्सीजन है मास कितना आएगा 16 आएगा। और बाद में कोई एक का प्रपोर्शन हमें सेम रखना है, क्या कहा है इसमें, then different masses of one element which combine with a fixed mass of another elements। क्या कहा है, कोई different proportion या तो different masses of one element combine with fixed mass of other element, कोई एक element का mass fix रखना है और जो दूसरा element है उसका जो mass है वो different रखना है, और वो जो proportion हमें मिलता है, कोई एक proportion मिलेगा तो वो क्या कहा है, एलिमेंट बियर्स ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर, तो उसके बीच में एक रेशियो हमें मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है H2O में और H2O2 में कितने हैं 2 है, तो उसका जो हाइड्रोजन का जो प्रोपोर्शन हुआ वो कितना हुआ दोनों में 1:1 हुआ, पर ऑक्सीजन का कितना हुआ 16 है, यहाँ पे 32 है, 16 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पे 2 आएगा। इसका मतलब इसका जो रेशियो है वो थोड़ा सा चेंज है, मीन्स इसमें हम रेशियो लेते हैं तो 1:2 कर सकते हैं। बाद में काफी सारे एग्जांपल दिए जो मैं भी आपके टेक्स्ट बुक में है नहीं है, एक बार देख लेते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है यहाँ पे N2O का एग्जांपल लिया है, N2O है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, ये 5 एग्जांपल लिए हैं। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन हमें दिखाना है बाय द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल में
नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका 14, पर यहाँ पे 2 है इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा उसका 14 × 2 = 28। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट 16 रहेगा। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है मॉलिक्यूलर वेट 14 आएगा, और यहाँ पे और एक ऑक्सीजन है तो 16 आएगा। यहाँ पे दो नाइट्रोजन है मॉलिक्यूलर वेट 28 आएगा। तीन ऑक्सीजन है 16 × 3 करेंगे तो 48 मिलेगा। बाद में एक नाइट्रोजन है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट 14 आएगा, दो ऑक्सीजन है तो 32 आएगा। दो नाइट्रोजन है 28 आएगा, फाइव ऑक्सीजन है तो 16 × 5 करेंगे तो 18 इसका मास हमें मिलेगा। ये फैंसी वाले जो वर्ड यहाँ पे लिखे हैं वो आपको पहले ध्यान में नहीं रखना है। अब हम उसकी बात करते हैं, दोनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट का हमें नंबर सेम करना है। क्यों? क्योंकि एक का रेशियो हमें सेम रखना है, दूसरे का जो रेशियो है वो चेंज डिफरेंट होना चाहिए। क्या कहा है इसमें, वॉल नंबर रेशियो टू वन अंदर, कोई स्मॉल रेशियो होगा सबके अंदर, मीन्स ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो डिफरेंट होगा या तो नाइट्रोजन का डिफरेंट होगा। पर दोनों में से पहले देख लेते हैं कि इक्वल नंबर किस में आ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बार 28 है और 2 बार 14 है, यहाँ पे 2 बार 16 है, बाकी सब नंबर डिफरेंट है। तो ऐसा कर देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको N2O2 नहीं करना है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O2 है नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करा, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 32 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, इसका मतलब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 करा है। और बाद में ये नंबर तो ठीक ही है, 28 है, बाकी इसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो सबका 1:1:1:1:1 है, और ऑक्सीजन का फिक्स रेशियो है, देखो 16 × 2 करोगे तो 32 आएगा, 32 × 32 के बाद 48 / 16 करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 64 by 16 करोगे तो यहाँ पे 5 मिलेगा, और यहाँ पे 4 मिलेगा, और 18 / 16 करोगे तो यहाँ पे 5 मिलेगा। तो ये जो प्रपोर्सन हमें मिला वो किसके थ्रू मिला, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्सन के थ्रू मिला। इतना बड़ा एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, ओनली आपको ये अच्छे से समझ में आए इसलिए एग्जांपल लिया है। आपको ये वाला एग्जांपल आप याद रखोगे तो भी चलेगा, एक डेफिनेशन याद रखनी है और ये एग्जांपल याद रखना है। फोर्थ लॉ है गैलियुसेक लॉ ऑफ गैसेस, व्हेन गैस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम व्हिच पियर्स ए सिंपल वॉल नंबर रेशियो टू वन अनदर। कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं और बाद में जो प्रोडक्ट मिलती है, एग्जांपल लेकर देखते हैं, एंड टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ गैसियस। कोई गैसियस मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट मिलती है तो वो जो प्रोडक्ट है वो भी गैसियस फॉर्म में होगी, और उसका जो प्रोपोर्शन होगा, उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, वही आपको देखना है इसमें कि गैसियस मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिया है हाइड्रोजन गैस और क्लोराइड गैस, तो हाइड्रोजन गैस का कोफिशिएंट 1 है, क्लोराइड गैस का कोफिशिएंट 1 है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगी उसका कोफिशिएंट कितना होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का समेशन होगा, यहाँ पे हमें 2 मिलेगा। सपोज हमने लिया है हाइड्रोजन गैस 1 मोल और क्लोराइड गैस 1 मोल, तो हमें यहाँ पे HCl मिलेगा वो 2 मोल मिलेगा। गैसियस फॉर्म में कोई भी रिएक्शन होगी, ये 1 मोल कोई स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो मिक्स होता होगा, तब हमें 2 मोल वाला प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे 40 ml डाला है हमने हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे क्लोराइड गैस अगर 40 ml डाला है तो हमें यहाँ पे 80 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा,
ये लोग क्या बताता है कि कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनती है वो डबल हो जाएगी, उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो डबल होगा। फिफ्थ लॉ है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। व्हेन टेम्परेचर प्रेशर फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब कोई कंडीशन हम अप्लाई करें, सपोज टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो कांस्टेंट रखे, ये कंडीशन है वो हमें सेम रखनी है, तब क्या होगा, कोई इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस है विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। अगर हमने 100 ml मीथेन लिया और वो 100 ml मीथेन अगर 9 मॉलिक्यूल देता है, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल देंगे। पर किस कंडीशन में, अगर ये कंडीशन हम रखेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होके, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें 9 मॉलिक्यूल देंगे। सपोज हम लेते हैं 50 ml अमोनिया सॉल्यूशन या तो NH4+ सॉल्यूशन, तो ये 50 ml अमोनिया सॉल्यूशन लिया पर किस कंडीशन में, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों सेम होगा। सेम मीन्स ये जो कंडीशन इसमें और इसमें दोनों में अप्लाई करेंगे वही कंडीशन इसमें होगी, तो मॉलिक्यूल हमें कितने मिलेंगे, 9/2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्योंकि हमने वॉल्यूम आधा करा, इसका मतलब है मॉलिक्यूल भी इससे आधा मिलेंगे। सपोज हम 200 ml ऑफ इथेन गैस लेते हैं और कंडीशन यही अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम रखेंगे, सब में जो रखा है वही हम करेंगे, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 18 मॉलिक्यूल मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम डबल करा, इसका मतलब मॉलिक्यूल भी डबल हो जाएगी, तो 9 × 2 करा तो यहाँ पे 18 मॉलिक्यूल हमें मिले। सो ये 5 लॉ है जो आपको अच्छे से याद रखना है, समझना है, और ये जो वीडियो है आपको 2-3 बार देखनी है तभी आपको समझ में आएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट काफी बेसिक है, और उसके बाद एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आता है, बाद में हम पोलैरिटी, नॉर्मालिटी, मोलैरिटी, फॉर्मालिटी वाले सम देखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर इट वॉचिंग इट।